नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। इतिहास भारतीय राजाओं के गौरव से भरा पड़ा है। भारत के वीर सपूतों में से एक शिवाजी महाराज को कुछ लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं। 1600 में देश में एक गौरवशाली राजा हुए थे, नाम था छत्रपति शिवाजी, जिन्हें भारत के बहादुर शासकों में से एक माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सम्राट और उनके शासन के खिलाफ कई युद्ध किए और जीतें हासिल की। वह एक भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। उन्होंने भारत देश के निर्माण के लिए बहुत से कार्य किए। वे एक महान देशभक्त भी थे जो भारत माता के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार थे। हर साल 19 फरवरी को शिवाजी का जन्मदिन मनाया जाता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो चलिए आज शिवाजी महाराज की जयंती पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। छत्रपति शिवाजी स्वराज और मराठा विरासत के लिए जाने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा राजवंश के संस्थापक और मराठा या महाराष्ट्र के लोगों के योद्धा राजा थे। मराठा साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय छत्रपति शिवाजी को जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। छत्रपति शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी का जन्म पुणे के पास स्थित शिवनेरी में हुआ था। शिवाजी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो अपने अभियानों का आरंभ दशहरे के मौके पर ही किया करते थे। 1674 में शिवाजी को औपचारिक रूप से रायगढ़ में क्षेत्र के छत्रपति सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। शिवाजी के स्मारक पूरे भारत में पाए जाते हैं, विशेषकर महाराष्ट्र में शिवाजी अधिक महत्व रखते हैं। महाराष्ट्र के लगभग हर शहर में शिवाजी की प्रतिमाएं और स्मारक पाए जाते हैं। भारतीय नौसेना के INS शिवाजी का नाम उनके नाम पर रखा गया है। वे बहुत बहादुर, बुद्धिमानी, शौर्य और दयालु शासक थे। शिवाजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। शिवाजी हर धर्म के लोगों को मानते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम सिपाही भी थे। उनका मुख्य लक्ष्य मुगल सेना को हराकर मराठा साम्राज्य स्थापित करना था। शिवाजी महिलाओं को भी सम्मान करते थे। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली कई हिंसाओं, शोषण और अपमान का विरोध किया। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने पर उनके राज्य में सजा मिलती थी। शिवाजी की सेना पहली ऐसी सेना थी जिसमें गुरिल्ला युद्ध का जमकर इस्तेमाल किया गया। जमीनी युद्ध में शिवाजी को महारत हासिल थी जिसका फायदा उन्हें दुश्मनों से लड़ने में मिला। उनकी मौत 3 हफ्तों तक चले बुखार के कारण 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।